Channel Chazoor. If you love it, then like it, share it, and subscribe it. And don't forget to press the bell icon, then only you will get notifications when we upload our next video. So let's get started. Hello everyone, welcome back again. So जो हमने स्टैंडर्ड फिफ्थ का जो स्टार्ट किया है हमने फर्स्ट लेसन की रिकैप में उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना है. एक फ्रैक्शन आपको दिया है 3/4 और इसके हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके. अब आप देखो जो फ्रैक्शन दिया गया है उसमें हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो हम मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे. तो किसी भी एक नंबर से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप 2 से स्टार्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 × 2/4 × 2 दैट इज इक्वल टू 6/8. ये हो गया फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब फिर से हम 3/4 को 2 से किया तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 3/4 × 3 दैट इज इक्वल टू 9/12. ये हो गया आपका सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब 3/4 को हम नेक्स्ट नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 4/4 × 4 दैट इज इक्वल टू 12/16. तो हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए. देयरफॉर वी कैन से दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/4 आर 6/8, 9/12 एंड 12/16. गॉट इट?